इस्माइल गुट के बाद का प्रणाम सब जनों को। देखो भैया, तुमको मालूम है अपन सच्चे और सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं, हवाबाजी भी नहीं करते ज्यादा, पर ऐसे में क्या बहुत सारे लोग अपने को हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि अपने को मालूम ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, पर असली में तो अपन अप टू डेट रहने वालों में से। ये गोलू है या देता पंकज भैया के यहाँ तीसरी मंजिल पर किराए से सुबह सुबह डोड़ा डोड़ा आया मेरे कने। बोले यार इस्माइल भैया, तुमको मालूम तो नहीं होगा पर फिर भी मैं बता दूं, ये फेसबुक पर नई पिक्चर चल रही है अवतार बनाने वाली। उसमें क्या होता है कि सब जने अपने थोबड़े को ना बॉडी को पूरा कार्टून में बना लेते हैं ना फिर अपलोड करते हैं। मैंने छुट्टे से बोला कि देख यार गोलू, ये मतलब मेरे कहने ना आके ना फोकट का टाइम खोटी मत करे ना स्टाइल मत बगाड़, इसके बारे में अपन ने पूरी रिसर्च पहले कर ली थी। तो गोलू को भरोसा ही नहीं हुआ। वो बोले इस्माइल भैया तुम झूठ बोल रही हो, तुमने तो एक भी फोटो अपलोड ही नहीं करी। अरे मैंने क्या यार गोलू, यार देख ये सारी कहानी शुरू हुई थी वो स्नैपचैट के बिटमोजी से। उसके बाद वो खाए हुए से फल वाला जो कंपनी वाला फोन है उसने एनी मोजी निकाला ना, उसी के टिचाल में ये भेड़ चाल चल रही है। फेसबुक के जकरबर्ग भैया ने अवतार वाला कार्यक्रम शुरू करा। तो गोलू बोले अरे यार तुम तो ना फोकट की बातें कर रहे हो यार, लोगों ने आजकल क्या इससे अपना स्टेटस दिखा रही है। अरे मैंने क्या रे ऐसा कुछ नहीं है, तू अपलोड नहीं भी करेगा तो सोसाइटी से बाहर थोड़ी निकाल देंगे तेरे को। तो बोले यार तुम समझोगे नहीं इस्माइल भैया, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने पूछा क्यों जरूरी है, तो बोले अरे यार इसमें क्या अपन हैंडसम दिख सकते हैं। अरे मैंने क्या काम करना, तू संडे की शाम को मेरे पास आना, 15 मिनट में तेरे को हैंडसम बना दूंगा, दो इधर लगाऊंगा कुल मिला के 4, असली में तेरे को बना दूंगा हैंडसम वो नीला वाला अवतार।